जनपद संभल के चंदौसी कोतवाली पुलिस ने काम दिलाने के बहाने तीन बच्चों की मां को रिश्ते का चाचा बलिया जिले से अपने साथ ले आया और नवापुरा गांव में 40,000 रुपए में बेचकर उसकी दूसरी शादी करा दी। दूसरे पति ने नशे में मारपीट के दौरान उसे खरीदने का राज खोला तो घबराई महिला मौका मिलते ही बच्चों के साथ कोतवाली पहुँच गई। महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने रिश्ते के चाचा, दूसरे पति और शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चंदौसी कोतवाली प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बलिया की रहने वाली महिला ने कोतवाली में आकर शिकायत की कि उसका मकान मालिक संजय यादव उसे काम दिलाने के बहाने बनाकर यहाँ ले आया और उसे यहाँ 40,000 रुपये में बेच दिया, जिसके बाद महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कल पूजा गुप्ता नाम की एक महिला जो बलिया की रहने वाली है, इसने थाना आकर शिकायत की कि उसका मकान मालिक संजय यादव उसे काम दिलाने के बहाने संभल ले आया और संभल में चनौसी कस्बे में उसका 40,000 में सौदा तय कर दिया। 40,000 में उसने नेम सिंह नाम के आदमी को बेच दिया और बेतपाल इसमें डाल था। इसी शिकायत के आधार पर तीनों को मानव तस्करी में जेल भेज दिया। अच्छा, महिला कहाँ से बरामद हुई है सर? महिला यहीं चंदौसी से बरामद हुई है।